हे दोस्तों, मैं हूं शिखा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही प्यारा सा समर स्पेशल कलेक्शन। और आज का मेरा पूरा ही कलेक्शन है अमेजोन से, और अमेजोन पर चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जो कि 31 मई में स्टार्ट हो चुकी थी और 5 जून तक रहने वाली है, जिसमें आपको 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स पर मिलेगा 50-80% तक का डिस्काउंट, प्लस 3 लाख प्लस ब्रांड पर आपको बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। सो एक करेक्ट टाइम है यहाँ से शॉपिंग करने का। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी की प्राइस डिटेल तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है, कुर्ता सेट है, कुर्ता और बॉटम, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगी। सो चले बिना देर के शुरुआत करेंगे आज के फर्स्ट प्रोडक्ट से, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही कंफर्टेबल सा, मतलब समर अप्रोप्रिएट जिसको बोलते हैं ना, वो वाला कुर्ता सेट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और सच में यार, मतलब समर अप्रोप्रिएट ही है। ब्रांड है इसका इंडो है ना, इसका जो फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन, और प्योर कॉटन ही है, मतलब सच में बहुत 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 अच्छा फैब्रिक है। कलर आप इसका देखो, एकदम मतलब ऐसा है कि पहनते ही ना खिल जाने वाले, उस तरह का इसका कलर है। अच्छा, इसका जो साइज मैंने लिया है लार्ज लिया है, और 3 पीस कुर्ता सेट है ब्रांड इंडोएरा, जैसे बता चुकी है। जिस रेंज में मैंने इसको खरीदा उसका स्क्रीन शॉट तो मैं साथ में अटैच कर ही दूंगी। सो ये आप देखिए, इसका लुक, नेक इसका राउंड आएगा फ्रंट से, बैक नेक इसका बहुत छोटा सा राउंड है। फ्रंट का जो नेक है यहाँ पर आपको बटन और छोटा सा लूप वाला डिजाइन मिलेगा। इसके योक पर अलग से फैब्रिक अटैच है, प्लस जो इसका पूरा फैब्रिक है ना वो तो है व्हाइट बेस के ऊपर एक ग्रीन कलर का प्रिंट, लेकिन योक पर जो फैब्रिक अटैच है वो जस्ट अपोजिट है। अब क्योंकि अनारकली कुर्ता है तो ये अम्ब्रेला कट में है, और बहुत ज्यादा हैवी फ्लेयर्ड नहीं है, मतलब एकदम स्ट्रेट भी नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी फ्लेयर्ड भी नहीं है, लेकिन हाँ पहनकर बहुत स्मार्ट ही लग रहा था। सो ये इसका फ्रंट लुक आएगा, और ये है इसका बैक लुक। वेस्ट पर आपको यहाँ पर ये लेस मिलेगी जो कि बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ है। इसके नीचे आपको छोटी छोटी सी गैदरिंग मिलेगी। सो इस तरह का पीस है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी पहन सकते हो, हल्का फुल्का बेली फैट है तो भी बहुत अच्छे से हाइड हो जाएगा, और वैसे तो यार मतलब ये है ही बहुत ज्यादा प्रिटी। स्लीव्स इसकी 3/4 आएंगी, यहाँ पर भी आपको बॉर्डर लुक मिलेगा, और ये लेस मिलेगी जिसमें आपको फॉल्स मिरर वाली डिटेलिंग मिलेगी। एग्जैक्ट लुक इसका आपको ट्रायल में क्लियर हो गया होगा, मैंने इसके साथ स्पेगेटी वियर की है, बाकी आपकी विश, आप स्पेगेटी वियर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इसके साथ पैरअप में जो बॉटम आएगी, प्लेन पैरट ग्रीन कलर की बॉटम है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक साइड इलास्टिक है, प्योर कॉटन की ये बॉटम है, और ये ना पेंट काइंड ऑफ है जो आपको दिख करके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ये बॉर्डर मिलेगा, प्राइस डिटेल साथ मेंशन कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फैब्रिक में कोई कमी नहीं है, और लुक तो आपको साइड में क्लियर हो गया होगा। थर्ड पीस इसके साथ आएगा प्योर कॉटन का दुपट्टा, बहुत ही अच्छा दुपट्टा है, क्योंकि इसकी ना लेंथ और विड्थ भी एकदम परफेक्ट है, मतलब इस तरह का पीस है मुझे नहीं लगता कि छोड़ने लायक है, अगर गर्मियों के लिए कुछ कंफर्टेबल और कूल पीस आप ढूंढ रहे हो। इसकी विड्थ आप देखो कितनी ज्यादा अच्छी है, 1 मीटर से भी अबव है। लेंथ इसकी एकदम प्रॉपर है, सेंटर से जिगजैग पैटर्न आएगा, साइड से पूरा एक फ्लोरल प्रिंट आएगा। सो यस, ये है इसका एग्जैक्ट लुक। मेरी तरफ से इस पीस के लिए थम्स अप है, हाईली 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 रिकमेंड मैं करती हूँ, तो जरूर आप इस पीस को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट पीस अगेन एक और बहुत ही प्रिटी सा अनारकली कुर्ता सेट, और ये है ब्रांड ट्यूलिन से, साइज मैंने इसका भी लार्ज लिया है, और वैसे तो इस पर जो केयर लिखी है ड्राई क्लीन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नॉर्मल आप इसको हैंड वॉश कर सकते हो, ड्राई क्लीन की नीड नहीं होगी। फैब्रिक जो है रेयॉन है, और नेक डिटेलिंग आप देखिए राउंड है, फ्रंट से बैक नेक भी इसका राउंड है। योक पर आपको जरी वर्क मिलेगा, और जगह जगह सीक्वेंस वर्क है, बहुत ही हल्का फुल्का सा सीक्वेंस और जरी वर्क इसमें आपको मिलेगा। क्योंकि ये भी अनारकली पैटर्न में है तो इसमें आपको कलियों वाली डिटेलिंग मिलेगी, लेकिन इसका ना फ्रंट पोर्शन जो है स्लिट है, और स्लिट होकर के अंदर भी फैब्रिक लगा हुआ है, जो आई थिंक आपको दिख करके क्लियर हो रहा होगा। ये वाला फैब्रिक सेम इसकी बॉटम का है, तो अनारकली तो है ही, उसके साथ एक डिफरेंट सा लुक आपको मिल जाएगा, क्योंकि फ्रंट से स्लिट आ गया तो प्यारा लग रहा था पहनकर। बाकी कलर इसका बहुत अच्छा है, और जो इसका डिजाइन है उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे यूज हुए हैं, लेंथ वगैरह एकदम परफेक्ट है। मेरी हाइट 5'3" है, तो आप हाइट ले सकते हैं, आपको कहां तक आएगा। ये इसका फ्रंट लुक है, ये है इसका बैक लुक। 3/4 इसकी स्लीव्स आएगी, यहां पर भी आपको ये बॉर्डर वाला लुक मिल जाएगा। इसके साथ आपको एज सच स्पेगेटी की नीड नहीं होगी, बस बहुत ज्यादा डार्क कलर के या फिर बहुत ज्यादा फ्लोरल प्रिंट वाले आप इनरवियर नहीं पहनेगा। पैरअप में इसके साथ जो बॉटम आएगी, रेयॉन फैब्रिक में बॉटम है, दोनों साइड इलास्टिक है, छोटी छोटी सी बूटियों वाला इसका प्रिंट है, समर के लिए एकदम बढ़िया सा पीस होने वाला है। जो बॉटम है उसकी विड्थ लेंथ एकदम परफेक्ट है, सो यार कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्ट लेवल में कोई भी कमी नहीं है, पहन के आराम से
मतलब पूरा दिन आराम से पहन सकते हो विदाउट एनी टेंशन। इतनी गर्मी है, ऐसे में हमें इसी तरह के कूल पीस चाहिए होते हैं जो पहनकर कूल भी लगे, कंफर्टेबल भी लगे और रेंज में भी अच्छे हों। यस, इसके साथ थर्ड पीस जो आएगा वो है दुपट्टा, कॉटन का दुपट्टा और सॉफ्ट वाला कॉटन है। विड्थ इसकी बहुत अच्छी है, लेंथ भी एकदम परफेक्ट है, डिजाइन आपको दिख करके क्लियर हो ही गया होगा, तो छोड़ने लायक पीस बिल्कुल भी नहीं है। हाईली रिकमेंड मैं करती हूँ और अमेजोन पर चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, सो जरूर आप इन प्रोडक्ट की शॉपिंग कर सकते हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट पीस जो है कैटलॉग में आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी आपने अमेजोन से शॉपिंग किया तो मतलब सर्चिंग में देखा ही होगा, लेकिन ये वाला जो पीस है ना कैटलॉग से डिफरेंट है। मतलब कैटलॉग ओरिजिनल पीस की है, ये है रेप्लिका, लेकिन यार मतलब पहनकर सही लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि खराब लग रहा था, ओके ओके पीस ये है। इसका जो ब्रांड है वो है नेक्सा, साइज मैंने इसका लिया है लार्ज और लार्ज ही मुझे आया, मतलब बिल्कुल भी इसमें वन साइज माइनस लेने की सोचना भी मत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका फैब्रिक जो है क्रेप है, तो समर में तो कंफर्टेबल नहीं होने वाला। बाकी इस तरह का कोई पीस चाहते हो क्योंकि रेंज इसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो रेंज को मतलब रेंज के अकॉर्डिंग ले सकते हो। नेक इसका भी है, यहाँ पर आपको ये अलग से ना लेस अटैच मिलेगी, बाकी ब्लैक के ऊपर बड़ा बड़ा सा फ्लोरल प्रिंट ये है जो आपको आई थिंक दिख करके क्लियर हो गया होगा। सो ये है इसका फ्रंट लुक, पूरा ही प्रिंटेड ये बैक साइड से आएगा, 3/4 इसकी स्लीव्स आएंगी। फैब्रिक अगेन मैं इसका बता दूं क्रेप है, वो एकदम हल्का सा, बहुत ज्यादा चिकना चिकना वाला क्रेप नहीं, लेकिन हाँ क्रेप है। इसके साथ पेयर अप में जो बॉटम आएगी, बॉटम का फैब्रिक रेयॉन मिक्स है, बॉटम का फैब्रिक क्रेप नहीं है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक साइड इलास्टिक है, प्लेन ब्लैक कलर की बॉटम है, तो फर्दर मिक्स एंड मैच में आप इसे यूज कर सकते हो। सो ये है इसका एग्जैक्ट लुक, फिटिंग एंड ऑल एकदम ओके, क्योंकि साइज मैंने लार्ज ही लिया था तो ऑब्वियस है, मतलब मेरे को फिटिंग तो इसकी परफेक्ट आनी ही आनी थी। इसका जो दुपट्टा है, ये धागा निकला हुआ है इसका, मुझे तब से ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या है। इसका जो दुपट्टा है ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक का दुपट्टा है, चारों तरफ आपको ये लेस मिलेगी, पास से आप देख लो कुछ इस तरह का इसका डिजाइन है और ये लहरिया पैटर्न है। दुपट्टे की वजह से इसमें जो ग्रेस आया, मतलब थोड़ा बहुत जो ग्रेस आया दुपट्टे की वजह से ही आया। रेंज वाइज आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन वो है कि जैसा कैटलॉग में दिख रहा है सेम वैसा मिलेगा तो वो चीज तो नहीं है, अदरवाइज ट्राई कर सकते हो, बुराई नहीं है पीस में। नेक्स्ट वन, इसको मैं डेली में पहनने के लिए लेना चाहती थी इसलिए मैंने इसको लिया, और मतलब अपने लिए मैंने इसको डेली में पहनने के लिए ही लिया है क्योंकि मुझे लाइट शेड और वही कूल सा फैब्रिक चाहिए था। तो ये है रेयॉन फैब्रिक का ब्रांड, ये गोस तरीके से है पीस, रोज में पहनने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे आप इसका लुक देखना, इसे आप ऑफिस वगैरह भी आराम से पहनकर जा सकते हो। दुपट्टा चाहिए तो इसके साथ कोई भी ब्लैक कलर का दुपट्टा भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो। नेक इसका वी है, फ्रंट से बैक नेक इसका राउंड है और डिजाइन आई थिंक इसका आपको दिख करके क्लियर हो जाएगा। लाइट बेस है तो या तो इसके साथ लाइट शेड के इनरवेयर पहनना, वरना स्पेगेटी की नीड होगी। सो कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। मुझे इसकी लेंथ अच्छी लगी, मुझे इसका डिजाइन कूल लगा, फैब्रिक मुझे कंफर्टेबल लगा, सो यस मैं इसको डेली में पहनने के लिए यूज करूंगी। आप चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ये है इसका बैक लुक, 3/4 स्लीव्स आएंगी, यहां पर आपको लाइनिंग के पैटर्न का वो बॉर्डर मिलेगा। और सच में मतलब यार पीस जो है सॉफ्ट है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, ट्राई कर सकते हो, रेंज के अकॉर्डिंग कोई बुराई नहीं है। इसके साथ पेयर अप में जो बॉटम आएगी, दोनों साइड इलास्टिक है सो बहुत कंफर्टेबल है। साइड में आपको मिलेगी पॉकेट, और इसमें बता मुझे प्लस पॉइंट क्या लगा, ये आप देखो, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा पजामा भी नहीं, एकदम चौड़ा चौड़ा सा पजामा भी नहीं है, पैंट भी नहीं है, तो डेली में पहनने के लिए ना इस तरह के पीस बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। जब वो लूज रहते हैं, मतलब यार ऐसा काम होता है, कभी बैठना पड़ रहा है, कभी कुछ, मतलब बहुत सारे काम होते हैं घरों में, तो इस तरह का ये पीस है, मैं कंफर्टेबली पहन करके काम कर पाऊंगी, थम्स अप मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए है। नेक्स्ट और लास्ट पीस जो मैंने खरीदा है, ये भी ऑफिस वियर काइंड ऑफ ही है। इसका फैब्रिक है रेयॉन, इसका जो ब्रांड है वो है स्टाइलम, और साइज मैंने इसका लार्ज है, जो कि मैंने बड़ा ले लिया, मतलब मुझे इसका मीडियम आ जाता, लार्ज मुझे बहुत ज्यादा लूज आ रहा था, ट्रायल में आपको दिख जाएगा। लेवेंडर कलर में ये है और ये आप देखिए पूरा ही प्रिंटेड है। इसका जो डिजाइन है ना, मतलब क्योंकि थोड़ा सा फ्लेयर्ड या ए लाइन काइंड ऑफ आप इसको कह सकते हो, तो मुझे काफी लूज आया इसी वजह से। नेक इसका कॉलर वाला है, कोट कॉलर जो होता है उस तरह का है, यहाँ पर आपको मिलेंगे बटन और ये फ्रंट स्लिट है। इसका जो फ्लेयर है वो कलियो वाला है, प्लस ये फ्रंट स्लिट है, तो आई थिंक लुक इसका दिख करके क्लियर हो जाएगा। जितना भी आप डिजाइन देख रहे हैं ये पेंटेड डिजाइन है, मतलब सेल्फ में प्रिंटेड कुर्ता नहीं है, ये सारा ही पेंट है। सो ये इसका फ्रंट लुक आएगा, ये इसका बैक लुक आएगा, 3/4 इसकी स्लीव्स आएंगी। पहनकर अच्छा लग रहा था, ऑफिस पहनकर जाने के लिए अच्छा पीस है, मतलब
कूल लगते हैं, और ऐसे इन्हें स्नीकर्स के साथ, शूज के साथ आप बहुत आराम से मिक्स एंड मैच कर सकते हो। इसके साथ पैरअप में जो बॉटम आएगी, सेम फैब्रिक सेम डिजाइन, सब कुछ सेम टू सेम बॉटम है, दोनों साइड इसमें इलास्टिक आएगी और इसमें पॉकेट नहीं है। लेंथ अच्छी है, फिटिंग अच्छी है, पहनकर भी अच्छा लगा, जो कि आपको ट्रायल में क्लियर हो गया होगा। सो यस गाइस, ये था मेरा आज का कंप्लीट कलेक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और पहली बार चैनल देखो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।